रिलायंस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट है और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर धारक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत जल्द ये कंपनी भागने वाली है दोस्तों, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी जल्दी ये भाग जाएगी। जी हाँ, और आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में कम से कम 10% बढ़ने वाला है। और ये स्टॉक निफ्टी 50 का बहुत बड़ा वेटेज वाला है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात इसलिए मैं करना शुरू किया कि इसको जाना चाहिए था 3,500 दोस्तों, लेकिन गया नहीं। हमने एक साल पहले बोला था, 1 जनवरी 2022 को, कितना, 1 जनवरी 2022 को, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं, दीपावली के समय बोला था, 2021 दीपावली को बोला था कि 2022 तक एक साल में 3,500 चला जाएगा, लेकिन गया नहीं दोस्तों। क्यों जानते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस क्या क्या है और इस बिजनेस के चलते कंपनी तो बढ़ी, कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, काम धंधा बढ़ा, लेकिन पैसा इन्वेस्टर का नहीं बढ़ा। जानते क्यों? 5G, जियो, ऑयल, गैस, टेक्सटाइल, कितने सेक्टर के एक ही कंपनी में सब काम होता है। अब जिस दिन ऑयल गैस और पेट्रोल डीजल का भाव जब ONGC का ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा, पता चला कि ये जाएगा उस दिन, लेकिन उसी में टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कंपनी जाएगी दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा नहीं बढ़ा। पूरा एक साल एनालिसिस करने के बाद मैं बोला कि हमने गलत एनालिसिस किया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन एक सीख मिलती है। और पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि हम तो बढ़ रहे हैं, इंटरडेटेक मुंबई MBA बीके सिंह बढ़ रहे हैं, हर महीने 1,000-2,000 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको फ़ायदा हो रहा है हमारे चैनल से? दोस्तों अगर हो रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को 10 शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि 1,00,000 जल्दी से हो जाए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ द बेस्ट स्टॉक फंडामेंटली, 15 लाख करोड़ का, 1,00,000 करोड़ तो बढ़ गया दोस्तों एक साल के अंदर, 14 लाख करोड़ की कंपनी थी जब हम एडवाइस किए थे, आज 15 लाख करोड़, 1,00,000 करोड़ का उसका बढ़ गया मार्केट कैप, लेकिन प्राइस 1,000 जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। जानते हैं क्यों? सिर्फ 50 सेक्टर के काम करने के लिए इन्वेस्टर को कुछ भी फायदा नहीं हुआ दोस्तों। हाँ, इंट्राडे वाले, फ्यूचर वाले हुआ, लेकिन इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं हुआ दोस्तों। डिविडेंड भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया, तो फ़ायदा क्या है? चलिए फिर भी देखते हैं, 3 महीना देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को कितना ये जल्दी भागता है। अगर नहीं भागा दोस्तों तो फिर हम आएंगे और बताएंगे क्या करना है इसमें। पहली बार आए इंट्राडेटेक मुंबई MBA बीके सिंह, कितनी बार किया दोस्तों? देखते तो आप ज़रूर हैं, लाइक भी किए हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, अरे अपने व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम में जितने भी, कोई स्टॉक मार्केट से जुड़ा नहीं भी है दोस्तों, ये देश के हित में है, ये स्टॉक मार्केट के हित में है। जितना ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति में, आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत बड़ा योगदान होगा। आपका भी ये एक बहुत बड़ा कदम, सभी चैनल को मैं बोलता हूँ, जितने भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सभी को, जिसको देखते हैं आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।